सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, आज अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कौन सी बुक लेंगे अपन, नूतन आरबी त्रिपाठी, ठीक है। तो फर्स्ट ए एक्सरसाइज शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मैं अपन कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ए एक्सरसाइज में बुक कौन सी लेना है, नूतन आरबी त्रिपाठी। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कलेक्शंस ऑफ सेट्स में क्या अंतर है ना, ग्रुप ऑफ सेट्स में क्या अंतर है। कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, फर्स्ट की डेफिनेशन इसी के अंदर ही है बुक में। सेकंड कह रहा है इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ता जा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति का समूह चाहिए उसको, है ना। कौन सा चाहिए, कोई भी आपको प्रेसिडेंट कह रहा है ना। प्रेसिडेंट कैसे होंगे, निश्चित होंगे आपके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं भाई। भारत के राष्ट्रपति कौन नहीं जानता भाई, आप अगर जाओ ज़्यादा करोगे तो ऑर्डर चेंज कर दोगे, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तो कहोगे नहीं, राष्ट्रपति फिक्स हैं आपके, वही हैं आपके। तो कौन सा है आपका, सेकंड का फर्स्ट वाला क्या है, सेट, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, समूह है ना, कलेक्शन ऑफ स्टेट है ना। भारत के स्टेट कौन से हैं, फिक्स हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, ये सब कैसी हैं, स्टेट हैं, फिक्स हैं। वही स्टेट के जो स्टेट नहीं हो उसका नाम तो आप दे नहीं पाओगे। तो क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं यानी सेट हैं, कर लोगे। इसके बाद देखिए वो कह रहा है पालतू जानवरों के नाम बताइए। पालतू जानवरों के नाम हर आदमी के लिए अलग अलग हुए हैं, जैसे कोई बिल्ली पालता है, कोई शेर पालता है, कोई चूहा पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई भैंस पालता है। तो कोई पांच के कहूँगे सब पांच अपने अपने अलग अलग बता देंगे, तो इसलिए ये कैसा है, सेट नहीं है। पैट एनिमल वाला कैसा है, सेट नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बिलोंग्स टू एक शब्द बताया था मैंने, अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे तो उसका एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए सेट दे रहा है ए बराबर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब वो कह रहा है कौन कौन से एलिमेंट किसके अंदर हैं। सबसे पहला एलिमेंट दे रहा है 5। 5 ए के अंदर है क्या, इसमें है, क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड देखो, सेकंड दे रहा है 0। 0 इसके अंदर है क्या, है, 0 बिलोंग्स टू ए। थर्ड देखो -10 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, -10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फोर्थ देखें 1/2 इसमें है क्या, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद देखिए फिफ्थ देखिए -3 दे रहा है, -3 ए में है, तो जो इसके सेट के अंदर है उसमें बिलोंग्स टू आ जाएगा, जो नहीं है उसमें क्या जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ के बाद आपकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए फोर्थ अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ के बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए फोर्थ में दे रहा है ए बराबर एलिमेंट दे रहा है PQRST, ठीक है। इसके बाद बी के अंदर एलिमेंट दे रहा है 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट, ठीक। अब वो कह रहा है ट्रू और फॉल्स बता रहा है। फर्स्ट देखिए, पहला एलिमेंट दे रहा है 8, 8 बिलोंग्स टू बी, 8 बी में है क्या, नहीं है, ऑड नंबर्स है, तो वो कह रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, फॉल्स है ना, असत। सेकंड देखो, सेकंड में दे रहा है आर बिलोंग्स टू ए, आर है ए में, है, तो क्या जाएगा,
ट्रू सत्य। थर्ड देखिए, थर्ड दे रहा है अपन को ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो कह रहा है ए ए में नहीं है। देखो नहीं है, यानी कैसा है, ट्रू। अच्छा एंड लास्ट देखो, नाइन बिलोंग्स टू बी, वो कह रहा है नाइन जो है बी में है, एक तीन पाँच सात, अगला नाइन ही होगा, क्या हो जाएगा, ट्रू सत्य। इसके बाद दे रहा है फिफ्थ, टी दे रहा है, टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, टी कह रहा है ए में नहीं है, टी ए में है, वो कह रहा नहीं है, यानी कैसा है, फॉल्स। टी तो ए में है, ठीक है, फॉल्स को कह सकते हैं असत, ठीक है। तो नोट करिए, जो आपकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए फर्स्ट बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, काय में लिखना है, टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में लिखते हैं सारणीबद्ध रूप। तो देखिए सबसे पहला दे रहा है वो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, पूर्णांक दे रहा है इंटीजर माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन सेवन, वो कह रहा है एक्स का मान जो है माइनस तीन के तो बराबर है और सात तक जाना है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सात से छोटा, ठीक है, एक एक एलिमेंट को अलग अलग। सेकंड देखिए, वो कह रहा है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो छः से छोटी है, एक्स एज दैट एक्स नेचुरल नंबर से है, विच इज क्या दे रहा है, लेस देन सिक्स, छः से छोटी। तो छः से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देखो, बुक आप देख लेना, आंसर लिखता चलता हूँ मैं। थर्ड वाला कह रहा है एक्स एज दैट एक्स दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है और अंकों का योग आठ है, नेचुरल नंबर दे रहा है और सम ऑफ डिजिट कितना दे रहा है, एट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, तो वन में क्या जोड़ दें, आठ आ जाए, सेवन, टू में क्या जोड़ दोगे, सिक्स, थ्री में क्या ऐड कर दो, फाइव, फोर में फोर, फाइव में थ्री, सिक्स में टू, सेवन में वन, एट में जीरो, बट जीरो इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ, वो कह रहा है एक्स एज दैट एक्स आवास संख्या है ना, आवास संख्या क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, और बीस से छोटी है, लेस देन ट्वेंटी, बीस से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे, दो, ठीक है, दो के बाद तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह और उन्नीस, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, एटलीस्ट टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम नंबर्स। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में दे रहा है ई कोई सेट दे रहा है, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, क्या दे रहा है, आई को बिलोंग कर रहा है, और क्या कह रहा है, आई एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स जो है आई को बिलोंग कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ट्वेंटी, ठीक है, आई क्या होता था, इंटीजर्स। तो देखिए चार का स्क्वायर माइनस चार का सोलह, बीस से कम हो जाएंगे, माइनस तीन का नौ, माइनस टू का फोर, माइनस वन का वन, ठीक है, जीरो वन टू थ्री और फोर, फाइव का पच्चीस ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है ऐसे इंटीजर्स लेना है जिनका स्क्वायर कैसा है, ट्वेंटी से कम है। इसके बाद देखिए सिक्स, सिक्स वाले को कह रहा है वो एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, तीन से कम वाले कितने हो जाएंगे, माइनस थ्री ले लो, माइनस वन ओ सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, तीन से छोटे और तीन के बराबर तक, क्लियर। सेवेंथ पार्ट दे रहा है अपन को
जी कोई सेट्स दे रहा है, वो कह रहा है एक्स सच दैट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और एन बिलोंग्स टू एन, और एन कहाँ किस किस के बीच में होना चाहिए, वन और थ्री के बीच में, देख लो इसको, एन अपॉन क्या दे रहा है एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, जहाँ एन क्या है, एन कोई इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वन इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू थ्री, ये चीज समझ में आ रही है। तो देखिए एन की वैल्यू वन रखो कितना हो जाएगा, वन रखने पे कितना हो जाएगा, वन वन का स्क्वायर वन प्लस वन, वन बाई टू, टू रखोगे कितना आ जाएगा आपका, टू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर वन टू बाई फाइव, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन प्लस वन टेन, फोर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, वो कह रहा था एक्स इज दैट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, और एन क्या कह रहा है अपन से, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो देखिए एक से लेकर एक को भी रखना है और तीन को भी रखना है, एक को रखा वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू को रखोगे टू का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, फोर और प्लस वन फाइव, और थ्री को रखोगे कितना हो जाएंगे टेन, ठीक। लास्ट एक और बचा है आपका, इसके साथ इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट वाला भी बता दूँ मैं आपको, लास्ट वाला क्या दे रहा है क्वेश्चंस, वो दे रहा है एस इक्वल टू दे रहा है एक्स इज दैट एक्स एक इंटीजर्स है पूर्णांक है, और किस किस के बीच में दे रहा है, माइनस वन बाई टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन नाइन बाई टू, ठीक है। तो देखिए एक लाइन देखो जरा, ये जीरो हो गई, ये माइनस वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव, तो वन बाई टू, वन बाई टू कहाँ आ जाएगा, माइनस वन बाई टू ये, और नाइन बाई टू का मतलब 4.5, इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ गए, ये इंटीजर्स लिखना है, कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और फोर, ठीक है ना। तो माइनस वन बाई टू और इसके बीच में कितने इंटीजर आ गए, जीरो वन टू थ्री और फोर, ठीक है। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, आप बुक अरेंज कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सेकंड थर्ड बहुत जल्दी इजी हो जाएगा, पुराना बेस जरूर एक दो बार रिवाइज करके पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। ओके थैंक यू।